दिल्ली में फिर से लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इसी बीच स्कूल खुलने के कारण सरकार परेशानी में है और इसी के कारण सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिस स्कूलों के चलते कोरोना के केस में बढ़ोतरी नजर न आए। दिल्ली NCR के स्कूलों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के स्कूलों में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, यानी केजरीवाल सरकार ने SOP जारी की है। इसके तहत ही स्कूलों का संचालन किया जाएगा। SOP के अनुसार सभी स्कूलों में क्वारंटीन रूम उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षक प्रतिदिन छात्रों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में सवाल भी पूछेंगे। कोरोना से संबंधित कोई भी मामला मिलता है तो उसकी रोकथाम के लिए आगे के कदम भी उठाए जाएंगे। आपको बता दें, दरअसल पिछले दिनों दिल्ली NCR में स्कूलों में कई बच्चों को कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। स्कूलों में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिंता बढ़ने लगी है, जिसके चलते अब सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जो कि स्कूलों द्वारा पालन करने आवश्यक होंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली पंजाब केसरी।